हेलो गाइज स्वागत है आपका हमारे चैनल इनायत ब्लॉग में गाइज आज हम जानेंगे गिलहरियों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जैसे कि गिलहरी कितनी ऊंचाई से कूद सकती हैं या फिर गिलहरियों की कितनी सारी प्रजातियां होती हैं या फिर गिलहरियों के बच्चे गिलहरी के मुंह में क्यों पॉटी करते हैं या फिर क्या कभी गिलहरी ने कोई हैकर का, का काम किया है या फिर बॉर्डर पर क्या गिलहरियों को गिरफ्तार किया गया था किस वजह से आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के बारे में कुछ अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सन 2007 में ईरान ने 14 गिलहरियों को गिरफ़्तार कर लिया था क्योंकि वो बॉर्डर इलाके में जासूसी कर रही थी क्या आप जानते हैं कि गिलहरी अपने अखरोट ज़मीन के अंदर छुपा कर भूल जाती हैं कई बार देखा गया है कि ये अपने अखरोट को अन्य गिलहरियों से बचाने के लिए उन्हें ज़मीन में गाड़ने का नाटक भी करती हैं दुनिया भर में गिलहरियों की लगभग दो प्रजातियां पाई जाती हैं गिलहरियां सर्दियों के मौसम में गर्म रहने के लिए अपना वज़न बढ़ा लेती हैं एक नवजात गिलहरी लगभग एक इंच लंबी होती है नर गिलहरी एक मील दूर से भी गंध सूंघ कर मादा गिलहरी का पता लगा सकता है गिलहरी 30 मीटर ऊंचाई से बिना किसी चोट के गिर सकती हैं बेबी गिलहरी केवल अपनी माँ के मुंह में पेशाब और सोच करती हैं ताकि माँ इसे अपने घोंसले से दूर फेंक सकें ताकि गंद से शिकारियों को उनके घोंसले का पता न चल पाए जो काम हैकर नहीं कर पाते वो गिलहरियों ने कर दिखाया 10 दिसंबर सन उन्नीस को एक गिलहरी ने बिजली लाइनों को चबाकर कर 82 मिनट के लिए नस्डैक शेयर मार्केट को बंद कर दिया था जिसमें लगभग 20 मिलियन शेयरों का व्यापार बंद हो गया था गिलहरी की आंखें कुछ इस तरह से बनी हैं कि वो अपने पीछे की ओर भी देख सकती हैं यह भी देखा गया है कि कभी कभी गिलहरियां दूसरी गिलहरियों द्वारा छोड़े गए बच्चों को गोद ले लेती हैं गिलहरी लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती हैं गिलहरियों के पैर में डबल ज्वाइंट होता है जो कि उनके पेड़ों पर जल्दी से चढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इनकी प्रजातियां अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं ज़्यादातर गिलहरियों के निवास स्थान पेड़ ही होते हैं लेकिन कुछ प्रजातियों की गिलहरियां ज़मीन में भी रहना पसंद करती हैं गिलहरियों की कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी होते हैं जो गिलहरियों की सदा शिकार करने के लिए तत्पर रहते हैं जैसे कि सांप, उल्लू बाज और बिल्लियाँ क्या आपको पता है कि गिलहरियों की देखने की क्षमता आम इंसानों से ज़्यादा होती है ये बहुत ही ज़्यादा दूर और सटीक देख सकती हैं